अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। अच्छा जी, अभी सुबह सुबह का टाइम है, आज ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, कल शाम से चल पड़ी थी, लेकिन अभी जो है ना, कल की नस्बत आज ठंडी हवा ज़्यादा है, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है। फिर रात को रेत जो होती है ना, ये रेत ठंडी हो जाती है और फिर ज़्यादा ठंड बन जाती है। गर्मियों में जब दिन में गर्मी पड़ती है और तो गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, रात को सर्दी जब पड़ती है तो रेत ठंडी हो जाती है तो सर्दी ज़्यादा महसूस होती है। तो अभी कुछ काम करने आपके साथ शेयर करूँगा सारा सीन। कल मैंने आपको दिखाया था ये वाली जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं, हमने ये सारी लेवल में की थी, ठीक है। और उसके अलावा अब इस पर पानी गिराना है, क्योंकि पानी नहीं गिराते तो इस तरह होता है कि अगर ये रेत जो आती है ना, ये जो हमने फेंकी हुई है, तेज़ हवा चलती है तो ये सारी डस्ट जो है अंदर जाती है, तो ये फिर मसला बनता है। तो एक दफ़ा इस पे पानी गिरा देंगे ना, पानी फेंक देंगे, तो उसके बाद फिर ये होगा कि ये जम जाएगी और ये फिर मिट्टी वाला जो सिलसिला है ना, जो अंदर भी जा रहा है, अंदर इस वजह से ज़्यादा जा रहा है क्योंकि ट्रैक्टर चलता रहा है। अच्छा जी, बात कर रहे थे बीच में, अभी हमें नकी कॉल आ गई तो उनसे बात करने लग गया था। तो यहाँ पानी फेंकना है, ठीक है, और पानी फेंकने के बाद ये सारी रेत जो है ना, चिकनी मिट्टी, ये जम जाएगी और आने जाने में भी आसानी होगी और फिर अंदर इस सहन में मिट्टी भी नहीं जाएगी। इस सहन में मिट्टी सिर्फ इस वजह से गई है क्योंकि चिकनी मिट्टी जो है ना, वो क्रॉस से इधर लेके आते रहे हैं, तो इधर से फिर धूल जो होती है ना, वो इधर आई हुई है सारी, नहीं तो वैसे इतनी मिट्टी नहीं आती। तो अभी साफ़ करके इधर भी पानी फेंकते हैं, ये सारी जगह पे पानी फेंकना है और उसके बाद फिर आपको सारा दिखाते हैं। की कार थे, जुत्ती भी लाई तुसी? अच्छा, तलाइया तलाइया लगा सी, सही। अच्छा, मुझे एक मिनट बाहर आयो, उत्थे मैं दस्यो कोई चेंजिंग करनी है या कोई की करना वा। हाँ जी, हाँ, पणा तो यह सारा पैर मिट्टी पिया करनी। कट कट रखे भी बाहर कंधे बाहर भी लग जाते, इन्होंने लुकाने की गली जरूरत सी। हजे मैं तो कहती बाहर कढ लवे, इटे फसा के प्लास्टर करा दे। हाँ, ये लीक हो गया बच्चे, भी चलानी कितों? अच्छा, ऑर्डर मैं भरी गई होनी ना। हाँ, सरी हूँ अद्धा सोहने हो गए, हाँ सरी सोहने हो गए। बेरी तेरा अबू कहता कभी पट सीट के, मैं क्या तू शां रहन दे इत्थे आराम नाल। ले चल हजे, चल बस। जी, थोड़ा थोड़ा इधर पानी फेंक देते हैं, उसके बाद ज़बरदस्त माहौल बन जाएगा जी।
ये लें जी, काम शुरू हो गया जी हमारा। इधर से शुरू से जाके करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वो थोड़ा सा मसला बन गया था, उधर से वाल बंद करके पानी इधर लेके आना था, लेकिन वो टैंकी फुल हो गई थी तो फिर मैं करने गया था। हाँ जी, अम्मी जी ने तो बाबा पानी छिड़क दिया। लो मैं छिड़का। हाँ, पानी पीछे ज्यादा जाता। शलोशन तो रखी है, बस हूं नहीं मैं पता रखी कि। हाँ जी, हाँ ला ले। इतो सीधी लाइन कट के ना। ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮ ਤਾਂ ਐਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 8-10 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਦੇ ਬਾਹਰ ਅਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਹਮ ਤਾਂ ਐਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਉਹ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹ ਪਤਾ ਮੁੱਕੂਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਆ। ਤਾਂ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰਾਇਓ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਰੰਗ ਲੈ ਆਵਾਂ ਪੁੱਠ ਪੁੱਠ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਟੀਗਰ ਗਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਕਾਇਆ ਵੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਖੋਲਿਆ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ये देखें जी, सारा इधर से भी पानी फेंक दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से फिर वो रूम तक जो है ना, पानी और पानी मैंने सारा फेंक दिया इधर, ठीक है। अब सारी जगह देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ज़बरदस्त घर लगने लग गया। अब इधर से ज़्यादा गुजर के जाना पड़ता है, तो मैंने इधर पाइप रख दिया है। मैंने कहा इधर ज़्यादा पानी डाल देता हूँ ताकि रेता जो है ना, रेत जम जाएगी। इधर से भी अच्छा जी, बाकी सारा काम हो गया है, ठीक है। उधर से भी ये सारा, इधर से भी, ठीक है। अब करना कुछ यूं है कि ये सहन रह गया है धोने वाला, तो अब इसे भी धोते हैं। ये देखिए इसमें कितनी डस्ट पड़ी है।
बाहर वाला सारा सहन भी धो दिया, रूम भी धो दिया, ठीक है। और ये सारा आप देखें, पहले आपको दिखाया था सहन की हालत, और अब रगड़ाई हो चुकी है। तो उसके बाद जब ये फर्श धोते हैं ना, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। धोना नहीं था क्योंकि इस पर मिट्टी थी, जब इस पर चलते थे तो फिर वो खराशी वगैरह जो है ना, पत्थर भी आ जाती हैं, तो इस वजह से फिर ये सारा मैंने धोया है ताकि इस पर गुजर के जाएँ तो ये मिट्टी वगैरह ना रहे। इधर से भी सारा साफ़ सुथरा माहौल हो गया, इधर से भी सारा साफ़ सुथरा माहौल हो गया। तो अब आपने लाजमी बताना है कि अब जो है ना लुक कैसी लगी आपको, ठीक है ना। तो अब ये सारे काम हो गए हैं, अब पंप को करते हैं, वाटर पंप जो है इसे बंद, पाइप रखते हैं बाहर, यहीं रख देंगे, फिर ज़रूरत आएगा। ये लें जी। छत से जाके दिखाता हूँ आपको, फिर बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। नीचे खड़े होके अगर दिखाएं तो फिर इतना ज़बरदस्त नज़र नहीं आता, क्लियर नज़र नहीं पता लगता। ये लें जी, ये सारे काम आज सुबह से लेके तकरीबन आप बज चुके हैं, 10 बजने वाले होंगे या 9, 9:15 हो गए। सुबह से उठ के बस यही एक काम किया है मैंने, और सबसे मुश्किल काम था ये, पाई पकड़ पकड़ के ना हाथ दर्द करने लग जाता है। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला नज़रबाज़ से बचाए, बहुत ज़बरदस्त लगने लग गया है। प्रोग्राम ये है के साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा घास लगा दें इधर इस तरह, मानेंगे नहीं अबू लोग, कोशिश करूँगा कि इधर लगाऊँ कुछ ना कुछ। तो अभी देखते हैं, पूछते हैं घर वालों से जाके भी क्या कहते हैं। अम्मी लोग भी काम में लगे हुए हैं जी, हम भी काम में लगे हुए हैं। ये देखें, उस वजह से ऊपर भी मिट्टी आई है, ट्रैक्टर से ना चलाते रहे हैं ना नीचे, तो इस वजह से। अभी घर वाला से रहता है, इसको भी धोना पड़ेगा, आज नहीं धोना, इसे वैसे ही साफ़ करेंगे। चलें जी, इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।